हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाइर स्टडी में दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए क्या प्रत्यनवाद प्रत्यावेदन वालों को मौका मिलेगा या नहीं होगा उनका क्या होने वाला है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर कोई अपडेट नहीं आ रहा है कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको पता है मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब है लेकिन उसके बाद भी मैं ये चीज़ लेकर के आप सभी के लिए आया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना प्रत्यावेदन से क्या होगा यहाँ पर आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो अब प्रत्यावेदन जमा करने जा रहे हैं मुझे एस से पता चला है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रत्यावेदन जमा करने जा रहे हैं बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं कोर्ट में मामला जो है वो दिया गया है यानी कि प्रत्यावेदन एक और मौका के लिए यहाँ पर कोर्ट लोग अभ्यर्थी एक जो है स्टूडेंट लड़की जो फीमेल है वो गई है कोर्ट और उसने कोर्ट में केस कर दिया है बाकी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपको मौका मिलेगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कोर्ट क्या फ़ैसला करता है वो अट्ठारह तारीख को उसका जो है फ़िक्स डेट जो है वो आने वाला है अट्ठारह तारीख को जो है उसका आ, क्या निकल के आएगा कि आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मौका मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आ, जो चीज़ धरने से हो सकती है वो कोर्ट से नहीं हो सकती है क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट लोगों ने क्या किया था पीएनपी और एस पे काफ़ी सारा धरना दिया था और यहाँ पर अगर हम बात करते दस हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनका पोर्टल पे अभी नाम नहीं आया हुआ है यानी उन्होंने प्रत्यावेदन काफ़ी सारे लोगों ने प्रत्यावेदन ही नहीं दिया है ठीक है तो यहाँ पर अगर दस हज़ार में से अगर एक हज़ार भी अभ्यर्थी वहाँ पर धरने के लिए आ जाते ना तो आपको पता है कि एस सी आर टी की बात मानना पड़ता है एस सी आर टी में काफ़ी सारे लोग गए थे और वहाँ पर एस सी आर टी में ये पता चला है कि हम आपकी बात मानते हैं बट क्या आपको हमारे हाथ में नहीं है सी वाले ने कहा अब हमारे हाथ में नहीं है तो उन्होंने स्टूडेंट लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं है सर आपके हाथ में आप हमें एक मौका दे सकते हैं तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया कोर्ट में चला गया है मामला है ना मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में ना जाता तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर सोचते हैं लेकिन अभी कोर्ट भी चला गया है तो कोर्ट में जो भी फ़ैसला आएगा वही सर्वमान्य होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गलती तो हुई है है ना कोर्ट में जाकर के गलती तो हुई है फिलहाल अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ कोर्ट क्या फ़ैसला करता है इसके ऊपर लेकिन ज़मीनी स्तर से जो धरना होता ना उसका एक परिणाम ही अलग होता है ना उसका एक परिणाम ही अलग होता है तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कोर्ट का जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग अट्ठारह तारीख अट्ठारह तारीख को जो है कोर्ट का जो है आने वाला है क्या आता है वो चीज़ तो आपको अट्ठारह अच्छा को ही पता चलेगा इससे पहले तो नहीं बताया जा सकता है ना हम बता सकते हैं ना कोई बता सकता है आपको क्या फैसला आने वाला है तो अट्ठारह तारीख को उसका फैसला आने वाला है तब तक लो, आप लोग देखिए क्या आता है फैसला फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ जितना ज़मीनी स्तर पर धरने से काम हो जाता है उतना कोर्ट से काम नहीं होता है ये चीज़ अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ऐसी आर टी ने साफ साफ बोला था कि अगर आप लोग आते तो हम इसके बारे में कुछ सोचते लेकिन उन्होंने सीधे सीधे जा के और कोर्ट केस कर दिया है तो उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है फिलहाल वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के साथ जय हिंद फते मातरम